ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो वर्ड जो हम बार बार देखते हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं इसको समझते हैं देखिए अगर इसके नाम पे जाएं तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव स्पीशीज होते हैं और न्यूक्लियस को न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस क्या होता है पॉजिटिव बट ये ठीक इसका ऑपोजिट होते हैं एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ना होकर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं और न्यूक्लियोफाइल जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं तो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और ऐसी स्पीशीज़ जब कह सकते हैं कि ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं ठीक है वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं अभी हमने बात की ना न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन्हीं को हम लेविस एसिड भी बोलते हैं और जितने भी लेविस बेसिस होते हैं वो सब क्या होते हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं